हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं एक और नई वीडियो। हमारे पास आज ये साउंड बार आया है बोट कंपनी का। इसके अंदर प्रॉब्लम है, ये सेट डेड है, इसके अंदर पावर नहीं आ रही है ना साउंड आ रही है। तो हम इसमें क्या कैसे रिपेयर करेंगे, क्या क्या हमें इसके अंदर देखना है रिपेयर करने के लिए, ये सारी चीज़ें हम इसमें इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो पहले इस लिक का मॉडल नंबर जान लेते हैं। इसका मॉडल नंबर देखिए, इसका मॉडल नंबर है बोट एवेंटी बार 1190 1190। तो इसके अंदर पावर का इशू है, ये डेड एसेट। तो इसको हम पहले यहाँ से ओपन करेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ स्क्रूज लगे हुए हैं, ये सारे स्क्रूज ओपन करेंगे, इसके बाद ही हमारा बोर्ड बाहर आएगा और उसके अंदर देखते हैं हम क्या क्या ख़राबी निकलेगी। तो बने रहिए हमारी वीडियो में और एंड तक देखिए। तो हमने स्क्रू ओपन कर लिए हैं, अब इसको एक बार ऐसे ऊपर से उठाएंगे और ये ओपन हो जाएगा। देखिए इसके अंदर दो बोर्ड लगे हुए हैं, ये हमारा सप्लाई बोर्ड है और ये हमारा मदरबोर्ड है, ये वाला। तो पहले हम इसकी सप्लाई चेक करते हैं, इस सप्लाई से हमारी यहाँ पर आउटपुट हो रही है या वोल्टेज या नहीं हो रही है। उसके बाद देखेंगे बोर्ड में दिक्कत है ये सप्लाई में। तो इसमें हम पहले पावर केबल लगा लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से इसको ऑन कर देते हैं और इसके बाद हम डिजिटल मीटर के ज़रिए इसको चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए सप्लाई आनी चाहिए कुछ ना कुछ वोल्टेज, यहाँ कोई सप्लाई नहीं आ रही है। यहाँ पर देखिए कोई सप्लाई नहीं आ रही है। तो ये हमारा सप्लाई से इसका डीसी सप्लाई वोल्ट आती है यहाँ पर, जो कि बिल्कुल भी कोई सप्लाई नहीं आ रही है, और एक ही सप्लाई है जिसके ज़रिए ये बोर्ड चालू होएगा। तो इसको हम डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, हमारा फॉल्ट इसी बोर्ड के अंदर है, ये सप्लाई बोर्ड है हमारा, इसके अंदर हमारे प्रॉब्लम है। तो हम इसको एक बार ओपन करके चेक करते हैं। यहाँ पर हमारी देखिए एसी केबल है, यहाँ पर देखिए 220 वोल्ट आ रही होगी। ये देखिए 240 वोल्ट आ रही है। तो हमारी मतलब केबल से सप्लाई आ रही है, करंट आ रहा है, एसी वोल्टेज मिल रही है हमें, लेकिन हमारी सप्लाई से आउट नहीं हो रही है। तो फॉल्ट हमारा इसी सप्लाई के अंदर है। हम इसको ओपन करके देखते हैं अब इसके अंदर क्या फॉल्ट निकलेगा हमारा। तो फ्रेंड्स, हमने सप्लाई बोर्ड निकाल लिया है और साउंड बार को कर दिया है साइड में, हमारा फॉल्ट इसी के अंदर है, तो हम इसी को रिपेयर करें। यहाँ देखिए ये यहाँ से प्रिंट्स कुछ चले हुए हैं, ठीक है, इसके अंदर शॉर्टिंग हुई है। ये देखिए यहाँ पर कुछ पार्ट जला हुआ है, ये फ्यूज़ है, फ्यूज़ उड़ा होगा। और इसके अंदर भी चेक करते हैं हमारा क्या क्या शॉर्ट निकलेगा। तो इसको मीटर को कर लेते हैं हम कंटिन्यूटी चेकिंग पे, कंटिन्यूटी पे कर लिया से। और यहाँ पर ये हमारा सबसे पहले फ्यूज़ चेक करेंगे, ये हमारा फ्यूज़ है, फ्यूज़ ओपन है। अब चेक करेंगे यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर है, इसको चेक किया जाएगा। ये देखिए यहाँ पर शॉर्टिंग आ रही है, यहाँ पर ये ब्रिज रेक्टिफायर को कंटिन्यूटी नहीं बताना चाहिए, शॉर्टिंग आ रही है। और फिर हमारा है मॉस्फेट, इस मॉस्फेट को चेक करेंगे। मॉस्फेट ठीक लग रहा है। ये देखिए ब्रिज रेक्टिफायर शॉर्ट है,
हम इसको पहले एक बार रिमूव करके देखेंगे, उसके बाद फिर से इसमें शॉर्टिंग चेक करेंगे और हमारा फ्यूज चेंज करना है। मॉस्फेट हमारा ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो जो हमें पार्ट्स रिमूव करने हैं उन सब पे हमें थोड़ा थोड़ा पेस्ट लगा लेना है। ठीक है, ये हमने ब्रिज रेक्टिफायर पे लगाया और इसको आयरन की मदद से रिमूव कर लेना है। तो ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर निकल गया है और इसके बाद हम निकालते हैं फ्यूज। ये हमारा फ्यूज आउट निकल दिया है। अब इसके अंदर देखिए जो प्रिंट कटे हुए हमारे, इसकी जगह हम लगाएंगे टिन वायर। टिन वायर के जरिए हम इसकी प्रिंट बनाएंगे। तो जो पॉइंट हमारा जला हुआ है उस पर भी हम पेस्ट लगाएंगे दोनों साइड, जहाँ से जहाँ कनेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा शोल्डर लेंगे और इसको इस तरह से इसको ज्वाइंट कर देंगे। एक्स्ट्रा वायर को हम काट लेंगे। और देखिए यहाँ पर जला हुआ है, इसको भी यहाँ पर हम पेस्ट लगाएंगे और जहाँ हमें ज्वाइंट करना है वहाँ तक पेस्ट लगा देंगे। तो हमारे जो प्रिंट जले हुए थे उनकी जगह हमने टिन वायर लगा दिए। अब हमें एक फ्यूज लगाना है और एक ब्रिज रेक्टिफायर लगाना है। तो फ्रेंड्स, हमने लगा दिया है नया ब्रिज रेक्टिफायर और फ्यूज लगा दिया है। इसको रिसोल्ड करते हैं। अब हम इसकी एक्स्ट्रा पिंस को कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम इसकी अच्छे से क्लीनिंग करेंगे थिनर से। Thank you.
इसके बाद हम फिर से एक बार शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं इसकी, एक बार इसको लग इन करने से पहले, इसको सप्लाई देने से पहले एक बार इसको फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। तो ब्रिज रेक्टिफायर पे हमारे यहाँ पर शॉर्टिंग आ रही थी ये देखिए, और यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं है, इस पिन पे शॉर्टिंग थी और देखिए ये अब नहीं है शॉर्टिंग यहाँ पर, ठीक है। और ब्रिज मॉस्फेट चेक कर लेते हैं, मॉस्फेट ठीक दिखा रहा है, ठीक है हाँ ठीक है, 100 ओम की रेजिस्टेंस ओके है। और उसके बाद यहाँ भी ठीक है, तो हम इसको एक बार चला के देखते हैं। एक बार हम इसके में अंदर 220 की सप्लाई देके देखेंगे, यहाँ कनेक्टर लगाएंगे और इसको एसी से ऑन कर देंगे। यहाँ हम डीसी सप्लाई चेक करेंगे इसकी आउटपुट पर, तो देखिए हमारी सप्लाई बन गई है, यहाँ पर 21 वोल्ट्स की सप्लाई है इसके अंदर, ये हमारी सप्लाई ओके हो गई है। तो अब हम इसको साउंड बार के अंदर अटैच करेंगे और इसको एक बार चेक करते लगा के। तो देखिए यहाँ पर हमारी इंडिकेटर ऑन हो गया है और इसको हम ऑन करते हैं। ये देखिए चालू हो गया है, पावर आ गई है। इसके अंदर म्यूजिक चला के देखते हैं, बाकी हमारा ये डेड था ऑन हो गया है। तो फ्रेंड्स ये हमारा बोर्ड का साउंड बार बिल्कुल ओके हो गया है। इसकी यहाँ स्विच हैं, वॉल्यूम इंक्रीज करता हूँ।